कर्नाटक पीपल आया करते आई मेट देम सजेस्ट कैसा पढ़ना चाहिए मैंने पूछा. उन्होंने बताया टीएनसी बहुत अच्छा है टेस्ट सीरीज और सारे, इसलिए यू कैन परचेज दैट एंड यू कैन स्टडी अलॉन्ग विद द टीएनसी, यू विल डेफिनेटली विल गेट अ गुड रैंक. नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में. मायसेल्फ बोझा फलाया, असिस्टेंट नर्स स्टूडेंट एम्स पटना, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं. आज हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त रैंकर, जिनसे जानने वाले उनके संघर्ष की कहानी की किस प्रकार से मेहनत किया जाता है और एक बहुत ही अच्छे रैंक को हासिल किया जाता है. तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अनिता जी. यस सर, थैंक यू सर. कैसा लग रहा है, हाउ यू फील नाउ? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है. एक बहुत ही जबरदस्त रैंक को हासिल किया है, 165. लोगों के नसीब में नहीं होती है कि वो इस रैंक को हासिल करें, लेकिन आपने बहुत ही शानदार रैंक को हासिल किया है. इस समय आपसे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस जानने की कोशिश करूंगा और बहुत सारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स के मन में डाउट रहते हैं कि ये टॉपर से पूछा जाए, ये पूछा जाए, ये पूछा जाए, वो सारी चीजें मैं जानने की कोशिश करूंगा. तो सबसे पहले तो इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे आपके अपने इंट्रोडक्शन से. यस सर, माई सेल्फ इज अनिता कुमार. एक्चुअली बी एस सी आई एम फ्रॉम कर्नाटक. आई पास नर्सिंग बी एस नर्सिंग 2020 में, और आफ्टर दैट आई हैव प्रिपेयर फॉर अ सी एच ओ एग्जाम एंड आई गेट दैट सी एच ओ एग्जाम एंड 1 year मैंने सी एच ओ वर्क एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर. देन मैरिज हो गया और होने के बाद मेरा हस्बैंड वर्किंग इन एम्स मंगलगिरी, दैट्स व्हाई ही सजेस्टेड टू प्रिपेयर अ नॉर्थ सेट. फॉर दैट आई हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन एंड अलोंग विद ड्यूटी इट्स टू हार्ड टू प्रिपेयर द नॉर्थ सेट एग्जाम बिकॉज वर्क वर्कलोड इज देयर एंड वर्क और अलोंग विद टाइम भी ज्यादा नहीं मिलता था. फिर से सजेस्ट और घर मेरे पेरेंट्स एंड मेरा हस्बैंड सजेस्ट होने के बाद मैंने रिजाइन करने के लिए प्लान किया और लास्ट दिसंबर में मैंने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जॉब रिजाइन किया. और बाद में मेरा हस्बैंड सजेस्ट किया डू कोचिंग फॉर नॉर्सेट, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल लाइक दैट ही सेड. एंड बाद में मैंने कोचिंग किया और वेंट फॉर एट जयपुर एंड ड्यू टू हेल्थ इश्यू आई लेफ्ट हाफ हाफ कोचिंग ओनली 5 months दैट्स इट. एंड इधर आने के बाद मेरे हस्बैंड के साथ मैंने पढ़ाई किया और उसका सजेशन में मैंने कंटिन्यू स्टडी कर दिया. और बाद मेरे को हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है और वो मैनेज करता है. हाँ, कोई नहीं, बहुत ही अच्छी हिंदी बोल रहे हैं. बिल्कुल, और बाद ओके. में मेरे नॉर्थ सेट 5 में मेरा रैंक बहुत दूर था. आई थिंक 5000 ऐसा था. वो नहीं मिला, कोई भी एम्स इंस्टीट्यूट नहीं मिला. और मेरा मेरा अल्टीमेट गोल था आई हैव टू गेट मंगलगिरी, एम्स मंगलगिरी, दैट्स इट. ऐसा मेरा बहुत का मतलब मेरा हस्बैंड भी वही सजेस्ट किया, रैंक तो अच्छा अच्छा आना चाहिए. मतलब और अलग इंस्टीट्यूट में दिया तो आवर अलोंग विद वर्क इट्स अगेन इट्स टू हार्ड टू गेट स्टडी. सो इट इज बहुत ही, इम्पॉसिबल ऐसा मैं लगता आपकी था. स्टोरी जो और समझ पा रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है और मजा आ रहा है मुझे सुनने में भी. बहुत सारे बच्चे इस समय इस स्टोरी को सुन रहे होंगे कि कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और आपने अपने हस्बैंड के गाइडेंस में पढ़ाई की है, तो बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल मेहनत किया है और मेहनत का प्रतिफल इस समय आपको मिला है. आपने कोचिंग करने की सोची, लेकिन आपकी हेल्थ की इश्यूज की वजह से आपने बीच में ही छोड़ के वापस आपको मंगलागिरी जाना पड़ा. और मंगलागिरी में आपके हस्बैंड वहां पे ड्यूटी करते हैं, तो सबसे पहले तो आप और अपने हस्बैंड हमारे वहां पे टीएनसी के सीईओ राम सर, एसएनओ है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स, जरूर जरूर उनको मिठाई खिला के आइएगा.
उनसे मिल के आइएगा, यस बिल्कुल सर, वो ऑफ वहीं पे हैं। तो कोर्स सर। हाँ, और उसके बाद में जैसे कि आपने स्टोरी में बताया कि आपने फिर नॉर्सेट 5.0 का एग्जाम दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद आपने क्या सोचा कि अब यस मुझे सर, क्या करना चाहिए? मेरे तो मैंने क्यों किधर गलत किया, मतलब मेरे तो थ्योरी तो पढ़ता रहता था। डीप आई हैव ऑल बुक्स, मॉसबी, लिपिन कॉट, सारे बुक्स था। फिर किधर टाइम मैनेजमेंट में मेरा नेगेटिव था, मीन्स सब टाइम मैनेजमेंट लिए वो टाइम मैनेजमेंट एग्जाम था। ये सोचा सर, मैंने नॉर्सेट 5 में सेलेक्ट होने के बाद इधर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कर्नाटका लोग, मतलब कर्नाटका पीपल आया गया था, मतलब आई मेट देम, सजेस्ट कैसा पढ़ना चाहिए, मतलब मैंने पूछा, उन्होंने बताया टीएनसी बहुत अच्छा है, टेस्ट सीरीज और सारे, इसलिए यू कैन परचेज दैट एंड यू कैन स्टडी अलोंग विद द टीएनसी, यू विल डेफिनेटली विल गेट अ गुड रैंक। उसका 400 रैंक था सर, उन्होंने बोला ना 400 रैंक था, उन्होंने बोला ए टीएनसी बहुत अच्छा है, क्वेश्चन सारे बुक्स में कवर करता है, सारे बुक्स, मतलब टाइम मैनेजमेंट एंड नेगेटिव अवॉइडेंस, गाइडेंस, डेली मोटिवेशंस, ऐसा मिलता था उन्होंने बोला। मैं आई हैव टेकन सीरियसली एंड देन आई हैव टेकन दैट दिसंबर में आई हैव टेकन टीएनसी टेस्ट सीरीज, ओके, गुड गुड। दिसंबर नवंबर नवंबर टीएनसी का में। कौन सा कोर्स आपने ज्वाइन किया था? कॉम्बो कोर्स प्लान परचेस ज्वाइन किया था या टेस्ट सीरीज या वीडियो एमसीक्यू? कॉम्बो सर, कॉम्बो टेस्ट सीरीज दोनों परचेज किया, और बाद में मैंने जिपमर एग्जाम दिया सर। जिपमर 2020 में मेरा रैंक 66 सर, स्किल टेस्ट भी पास किया मैंने, और यस सर, मैंने इसलिए मेरे लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस था, मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन होने के बाद मेरा सिलेक्शन हो सकता है सर। एमएनसी में 428 रैंक था मैं, एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग, वो भी सिलेक्शन हो गया सर, इसका मतलब और मैं ये बाद में सीधा सीधा नॉर्सेट। जान सकता हूँ कि टीएनसी में जो ही आपने कदम रखा, टीएनसी के अंदर आपने एंट्री मारी और टीएनसी के साथ आप टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो एमसीक्यू देखने लगे, तो कंटिन्यूअस आपकी सफलताएं कंटिन्यूअसली स्टार्ट हो चुकी थी। यही होता है मेहनत का प्रतिफल और सही कंटेंट पे वार। आपने उस समय सही रास्ता चूज किया और सही रास्ता जब आप चूज करते हैं तो सिलेक्शन होना तय हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा टीएनसी के बारे में जानना चाहता हूँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ टीएनसी के अंदर जो पहला एग्जाम दिया था, फर्स्ट एग्जाम टीएनसी के अंदर दिया था, उसके अंदर कौन सा रैंक आया? बहुत दूर था सर, 10,000 आई थिंक, 10,000 ऐसा था सर ओके, 10,000 मेरे रैंक आया तो। तो उसमें नहीं लगा, हाँ डरने लगा सर, क्या आपको? यस सर, डरने लगे था, मैंने पूछा उसको, सिलेक्शन होने ऑलरेडी वर्किंग है ना सर, एम्स ना मंगलगिरी में, उसको पूछा, उन्होंने बोला पहले से ऐसा आता है, बाद में प्रैक्टिस करने के बाद ये रैंक अच्छा आता है उसको, मतलब प्रैक्टिस होने के बाद ये अच्छा रैंक आता है, और डरना मत, इट विल बी रेड्यूस अगेन, दैट्स व्हाई दे टेल दैट लाइक दैट सर, गुड एंड आई गुड, हैव कंटिन्यू डेली, तो बिल्कुल एक्चुअली आई एम आपने वेटिंग फॉर इट। आपने बिल्कुल फॉलो किया, सजेशंस फॉलो किए कि भाई डरना नहीं है, लगातार मेहनत के साथ आगे बढ़ना यस है, सर, और वो लगातार सारी चीजें आप कंटिन्यूअसली कर रहे थे तो बिल्कुल 100% आपको बेनिफिट मिला है। अब मैं चीजें और जानना चाहता हूँ और बहुत सारी चीजें आपके मन से जानना चाहता हूँ। जब गलतियां करते थे टीएनसी के अंदर, गलतियां होती थी, सिली सिली मिस्टेक्स होती थी, आप लोग धीरे धीरे उन चीजों को सुधारने के लिए कि किस प्रकार से ये वापस से करेक्ट की जाए, उसके लिए आप क्या करते थे? मैं सेपरेट बुक करने, आई मेक द सेपरेट नोटबुक सर, दैट फॉर दैट व्हाट एवर द मिस्टेक्स क्वेश्चंस आर देयर, आई हैव टू राइट देयर दैट, एंड आई हैव रिविजन अगेन एंड अगेन दैट वन, एंड अगेन आई विल नॉट बी मिस्टेक अगेन, दैट्स लाइक दैट सेम आई हैव डन सर, ओके गुड सर, मिस्टेक मिस्टेक्स बुक। को सही करने के लिए आप लिखते थे और उसके अलग से मिस्टेक्स हाँ बुक्स बना लिया, सेपरेट एक बुक बना लिया, उसी के बेस पे आप यस सर, बार बार उसको तैयारी कर रहे थे और बराबर ये कंटिन्यूअसली लगातार चल रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। यस सर, नॉर्सेट 5.0 में सिलेक्शन नहीं हुआ तो किसी दोस्त का यस सर, आपके सिलेक्शन हो गया होगा, जो आपके दोस्त हैं जो पढ़ाई कर रहे थे उनका सिलेक्शन हो गया, कैसा यस गिल्ट सर, फील हुआ था, कैसी फीलिंग आई? बहुत बहुत सर, मैं तो रो रहा था, इतना क्यों, किधर मिस्टेक किया मैंने, एक्चुअली
इतना बहुत दिन से पढ़ाई कर रहे थे कंटिन्यूअंटली, बट किधर मिस्टेक किया मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन अटेंड किया और नेगेटिव बहुत हो गया, रैंक पीछे चल गया बहुत दूर से, बहुत ये हो गया था, बट कॉन्फिडेंस मैंने नहीं छोड़ा। मेरे हस्बैंड मोटिवेट किया, आप कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम इट विल बी यूर इन अ गुड रैंक, दैट्स इट, ऐसा बोला सर, एंड देन आई हैव स्टार्टेड लाइक बिल्कुल, पॉजिटिव माइंडेड। बहुत सारे बच्चे इस समय मुझे पूछते हैं कि एक दोस्त का सिलेक्शन हो जाता है दूसरे दोस्त का नहीं होता है, तो बिल्कुल डिमोटिवेशन सा फील होता है, ऐसा क्या उसने कर दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वापस से उठ खड़ा होना है, वापस से मेहनत करना है और वी कंटिन्यूसली हैव आगे टू चलना है। वेट फॉर गुड टाइम सर, वी हैव टू वेट फॉर गुड टाइम, कंटिन्यूअस स्टडी अलोंग विद कंटिन्यूअस स्टडी, दैट्स इट सर। ओके, टीएनसी के साथ आप लगातार मेहनत कर रहे थे, क्या अच्छा लगता था टीएनसी में? मेरे को अच्छा क्वेश्चंस सारे बुक्स में वी हैव कवर करता था सर, ये क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन टाइप, मतलब एक ऑनलाइनर लाइक ऑल टाइप क्वेश्चंस भी टीएनसी कवर करता था, और अगेन मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो रैंक मिडनाइट में आता ना सर, वो अच्छा लगा मेरे को, मतलब टुमारो हैव टू मेक अ गुड रैंक कंपेयर टू यस्टरडे, लाइक दैट टुमारो विल बी गुड रैंक, आई हैव टू प्रिपेयर माइंडसेट, ऐसा था। सो आई हैव टू वेट फॉर दैट रैंक, एंड अगेन आई हैव टू स्टडी मॉर्निंग एंड डेली आई सेटेड अ टाइम फॉर टीएनसी टेस्ट सीरीज लाइक दैट सर। आपने यूट्यूब में टाइम टेबल मैंने देखा सर, 20% थ्योरी और 20% बेसिक गाइड, ऐसा मैंने वही फॉलो किया सर, टाइम टेबल आपने दिया ना ओके सर, okay. वही वही किया मैंने। बिल्कुल, आप YouTube पे मैंने एक बताया था कि स्टडी को डिवाइड कर देना चाहिए, सेक्शन हाँ वाइज यस डिवाइड सर, कर या देना चाहिए, और वो यस उस सर, वही चीज आपने फॉलो की है। और बहुत ही वो स्कीम बहुत ही शानदार होता है कि उसमें सारी चीजें कवर हो जाती है और बहुत ही यस बड़ा सर, बेनिफिट मिलता है। यस टीएनसी सर, के अंदर लगातार एग्जाम चल रहे थे, सारी चीजें, वीडियो रेशनल के बारे में, जो वीडियो रेशनल आपने पढ़े हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ अच्छा सर, बिकॉज समटाइम पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता था, आप वी हैव टू सीन द वीडियो मींस कंप्लीटली द डाउट विल बी क्लियर, वंस इट विल बी क्रिएट क्लियर मींस अगेन विल नॉट डू द मिस्टेक, दैट सेम मिस्टेक, सो बहुत हेल्पफुल था सर दैट वीडियो आपका, और आपका मोटिवेशन को वीडियो भी आता था बीच में, बहुत अच्छा था सर आपका मोटिवेशन, आपका एनर्जी, आई हैव टू हैड्स अप टू यू सर, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा सर वो आपका। एक्चुअली क्या है कि जब बच्चों के साथ रहते हैं तो बिल्कुल एक जोश आता है, और उस जोश के साथ यस सर, लगातार चलना पड़ता है और और पूरा। आपको यस सर, प्रीलिम्स के बाद भी आपका वीडियो आया था मेरे को, मेरे को बहुत मोटिवेशन हो गया सर आपके, आपने बोला कितना एनर्जी से आपने कॉन्फिडेंस से मोटिवेशन दिया ना सर, बहुत हेल्प हो गया मेरे को, बहुत डरता था मेरे को एग्जाम देने के लिए इसलिए सर। यस बिल्कुल बिल्कुल, और टीएनसी ने आपको पहले ही बता दिया था कि आप रैंकर्स बनने वाले हैं। सर, ऐसा आपने बोला वीडियो में सर, आपने बोला जी सर, दैट्स बहुत ही सर। जबरदस्त बात। कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आपको हेल्पफुल हो रही थी? मेरे पास एक्लेक्स सॉन्डर्स है सर, मॉसबी क्वेश्चन के लिए, ओनली फॉर क्वेश्चन मॉसबी रेफर करता था, सॉन्डर्स फॉर थ्योरी और मिशन हाई एंड टारगेट हाई, सारे बुक्स है सर, ओनली फ्यू आई हैव टू रेफर, बिकॉज सारे मेरा हस्बैंड भी पढ़ता था ना, सारे बुक है सो ओके, आई हैव टू सारे सारे बुक्स आपको लाके दे दिए थे कि ये सारी बुक्स पढ़ो और टीएनसी के साथ लगातार मेहनत करते जाओ, फायदा ही फायदा बिल्कुल होने वाला है। बिल्कुल, आपके हस्बैंड से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड किया, और सबसे बड़ी बात, आज वो इसीलिए गाइड किया करते, उनके पीछे भी उनका, मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लेकिन वो इसलिए गाइड कर रहे थे कि वो नहीं चाहते थे कि मैं पत्री से दूर हो, वो चाहते हैं कि मेरी वाइफ मेरे यस साथ ही रहे, तो सर, इसलिए वो आपको गाइड किया करते थे कि भैया पढ़ना है, एम्स यस मंगलागिरी में ही लगना है। बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल सही गाइडेंस मिलता है, जब 100% सफलता मिलती ही मिलती है। एग्जाम से पहले की बात करूं, एग्जाम देने जा रहे थे, पहली बार में फेलियर झेला, उसके बाद फिर से वापस से जा रहे थे, सर, एंजाइटी नहीं हुआ एग्जाम से एक दिन पहले कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा? यस सर, एंग्जाइटी तो है, फिर मैंने प्रिपेयर किया इस बार तो मेरा 101% मैंने दिया प्रिपरेशन के लिए सर,
थोड़ा डर नहीं था, मतलब प्रीलिम्स के होने के बाद मेंस को उतना डर डर है सर, फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस था, मैं इस बार तो मेरा होना चाहिए, मैं तो प्रिपेयर किया, 100% मेरा एफर्ट तो हो गया। और एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखने के बाद होता तो पता नहीं सर, ऐसा लगता था उस टाइम। ओके मैं एक ही लाइन में पूछूं कि इस सक्सेस का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स एंड माय हस्बैंड दोनों सर, दोनों। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त बात बताई और दोनों को खुश रखा है आपने, बहुत यस ही शानदार, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही जबरदस्त मेहनत की है और मेहनत का प्रतिफल आज आपके सामने है और बहुत ही शानदार मेहनत के बाद ये सारी चीजें होती है। और टीएनसी के साथ आप लगातार कंटिन्यूअसली आप आगे बढ़ रहे थे, सारी चीजें कंटिन्यूअसली आपके पक्ष में थी। एग्जाम हॉल, और एग्जाम हॉल के अंदर क्या एक्सपीरियंस रहा कि यार पेपर टफ आ रहा है या पेपर टीएनसी की तरह ही चल रहा है? मेरे को सर डेली मेरे टीएनसी तो एग्जाम ऐसा एग्जाम आई फील लाइक दैट एग्जाम नॉट सेट इज गोइंग ऑन। आई फील मतलब टीएनसी एग्जाम तो सीरियसली मैं देता था, मतलब सिंपली ऐसा नहीं देता था, मैं सीरियसली देता था क्योंकि मेरा रैंक मिडनेट में आता था, मींस गुड रैंक विल बी, आई हैव टू सेटिस्फाई विद माय सेल्फ दैट रैंक। इसलिए मैंने एग्जाम हॉल में प्रीलिम्स तो टफ था सर, मेरे मेरे लिए बहुत टफ लगा, मतलब क्वेश्चन तो ऐसा रहा, मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, आईसी वर्क भी नहीं किया, सो इट्स विल बी टू हार्ड, फिर मैंने किया। और ये मेंस तो मैंने फर्स्ट सेक्शन में देखा बहुत इजी लग रहा है टीएनसी ऐसा, मतलब क्वेश्चन फ्रेम अलग था, मतलब लैंग्वेज सारे चेंज था लेकिन क्वेरी चीजें सेम ही थी। लैंग्वेज, हाँ सेम टीएनसी का ऐसा इजी। मैंने टीएनसी का रैंक कितना आता था एवरेज में, ऐसा भी रैंक आया सर मेंस में। और यस बहुत ही सर, शानदार, और जितना रैंक क्वेश्चन टीएनसी में आता था उतना ही रैंक आपको वहां देखने को मिला है। अब मैं यस आपसे सर, जानना चाहता हूं कि मेंस के अंदर कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे और कितने राइट और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे? मैंने मेरे को सर फर्स्ट सेक्शन में मैंने देखा इजी लग रहा है, इसलिए मैंने 20 क्वेश्चन अटेंड किया, और ऐसा लग रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स तो इजी नहीं देता ना एग्जाम, इसलिए मैंने सोचा नेक्स्ट सेक्शन विल बी टफ, ऐसा लग रहा था मेरे को, इसलिए सेकंड सेक्शन में आने के बाद भी वही भी इजी, इसलिए मैंने 98 किया सर, ऐसा लग रहा है 98 क्वेश्चन अटेंड किया सर, 22 रॉन्ग 76 करेक्ट हुए सर। ये दो क्वेश्चन भी क्यों छोड़े थे? ये पूरा सर वो 100 ही कर बिल्कुल लेते। मैं ये मेरे को नहीं आता था तो सर, बहुत वो ही टू बड़ा, क्वेश्चंस मैं बिल्कुल नहीं आता था, ये बच्चे सोच वो रहे होंगे बिल्कुल कि नहीं आता मैडम सर। अनीता को बोलना चाहिए कि ये दो क्वेश्चन भी नहीं छोड़ देते, पूरे के पूरे ही करने थे। लेकिन बहुत ही जबरदस्त 98 क्वेश्चन। मेरा डर नहीं हस्बैंड लगा वही कि सोचे आपको? नहीं सर, डर लगा कि यार 98 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गए? नो सर मेरे को आता था ओनली आई थिंक मेरे को आता था सारे क्वेश्चंस, मैं बहुत दिन से प्रिपेयर कर लिया और बहुत क्वेश्चन भी किया और प्रैक्टिस किया सर, इसलिए बहुत नहीं लगा सर मेरे लिए क्वेश्चन पेपर देखने के बाद, इसलिए ओके मैंने सोचा सारे देते इजी थे, को इजी क्वेश्चन पेपर में सारे 90+ करता ना सर, इसलिए मैंने किया सर, अब थोड़े थोड़े ऐसा से हो मैं गया। डिफिकल्ट सवाल पूछने चाहता हूँ, बच्चों के थोड़े से डिफिकल्ट हैं। मैंने टेलीग्राम पे एक डाला था तो बच्चों के सवाल आए कि सर हम थोड़े से आप उनसे बच्चों से डिफिकल्ट सवाल पूछे जिनसे उनको माइंड में दिक्कत आए। सबसे बेस्ट बुक आपकी, अगर मैं बेसिक बुक्स के बारे में बात करना चाहूँ, बेसिक बुक्स मार्केट में तीन चार बुकें हैं जैसे पी आर यादव है, टारगेट हाई है, प्रीति अग्रवाल है, मिशन ठीक हाई बुक है, ये सारी बेसिक बुक्स है। सबसे बेस्ट बुक कौन सी लगती है? सॉन्ड्र सर, मेरा बेस्ट, मेरे हस्बैंड भी वही बेस्ट बुक है, मेरे लिए वही बेस्ट बुक है सर, सॉन्ड्र सेंप्लेक्स सॉन्ड्र सर। हस्बैंड के पीछे पीछे हैं आप? साउंडर्स इज द बेस्ट बुक, बहुत ही अच्छी बात है। साउंडर्स आपको बेस्ट बुक लगती थी और उसको आपने लगातार पढ़ा और बहुत ही अच्छी रैंक को हासिल किया। अनीता से मैं यस सर, जानना चाहता हूं कि अनीता से पूछा जाए कि आपने पिछली बार नॉर्थ स्टेट 5.0 में फेलियर झेला है, 6.0 में सफलता झेली है, तो
अनिता कभी कभी ऐसा सोचती है कि यार काश मैं ये चीज आज से उस समय नॉर्थस्टेट 5.0 से पहले मैं अगर ऐसा करती तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो वो चीज क्या है? वही सर, टीएनसी सर, टीएनसी सर टेस्ट सीरीज बिल्कुल, आपने तो बन बन बोल दिया तो कि सर वही चीज है, टीएनसी है। टीएनसी अगर मैं पहले ज्वाइन कर लेती वही तो 101% सफलता मिल जाती। बिल्कुल सर। तो एक सवाल है, मैं ये सवाल आपके लिए इसलिए पूछ रहा हूँ, हाउसवाइफ है, घर में काम भी करना पड़ता है, शादी भी है और साथ में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है लाइफ में। एक दो फैमिली को हैंडल करना पड़ता है, ससुराल वाले और खुद की फैमिली यस को, सर, साथ में बहुत ड्यूटीज डिफिकल्ट। और ये सारी चीजें मैनेज कैसे, अपने आप को टाइम शेड्यूल कैसे मैनेज किया? सर मैंने टाइम शेड्यूल सेट किया सर, ऐसा ये टाइम सेट किया। और मैं तो, मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव सर, बहुत सपोर्टिव। पढ़ाओ, एग्जाम दे, सिलेक्शन हो, मतलब उसका फाइनल मोटिव था हम दोनों एक साथ में रहना है, कोई भी हो, बस सारे सारे मतलब एक साथ में जॉब करना पड़ेगा, ऐसा सोचा, इसलिए वो सपोर्टिव था। बट मेरे हस्बैंड का फैमिली भी सपोर्टिव, इसलिए मैं ये हो गए सर। मेरा हस्बैंड भी पॉजिटिव मोटिव करता था, इसलिए नेगेटिव थॉट भी नहीं सोचा। और मैं बिल्कुल सोशल मीडिया में बहुत दूर था सर, मतलब वो किसी भी कॉल भी नहीं करता था, और मैसेज, व्हाट्सएप, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, ओनली स्टडी, टीएनसी, दैट्स इट, क्लासेस, बिल्कुल, इतना सा। सोशल मीडिया से दूरी बना ली और सिर्फ एंड सिर्फ टेलीग्राम टीएनसी का ज्वाइन कर लिया और बाकी कुछ भी नहीं, कुछ ना फेसबुक ना भी नहीं व्हाट्सएप ना सर। इंस्टा। एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि जब हम यूट्यूब चलाते हैं, तो बहुत सारे चैनल्स हमारे सामने आते हैं। नर्सिंग लिखते ही हजारों चैनल की लिस्ट आ जाती है, और जैसे मान लो कि आप टीएनसी को फॉलो कर रहे हैं, टीएनसी के देख रहे हैं, और उसके बगल में और बहुत सारी चीजें, नई 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 चीजें आपको देखने को मिलती है। कैसे मैनेज करते थे कि यार ये वीडियो भी देख लेती हूँ, ये भी देख लेती हूँ, इस चैनल को भी देख लेती हूँ, उस चैनल को भी देख लेती हूँ, इतने सारे चैनल है, तो कैसे अपने आप को रोका कि यार मुझे तो नहीं, मैं सारे चैनल्स नहीं देखने वाली हूँ, मुझे कहीं एक जगह स्टिक होना है, कैसे किया ये? मैंने सब्सक्राइब किया सर, ओनली ओनली फॉर दैट आई हैव टू सी दैट चैनल, मींस आई हैव टू सब्सक्राइब, ओनली सब्सक्राइब वीडियो मैंने, वो क्लिक होता है ना सर यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स, उसमें टिक करता था, मतलब सारे चैनल मैंने नहीं देखता था, ओनली फ्यू, इसलिए मैंने वो सब्सक्राइब में, ओनली सब्सक्राइब्ड चैनल्स ओनली इट विल कम सर, दैट्स वन दैट हैव डन सर, बिकॉज इट बिल्कुल। विल बी डिस्ट्रैक्ट अगेन। ओके, अनीता अनीता से पूछना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो पोस्ट होती है, जैसे फेसबुक, इंस्टा, और इन पे अपनी लास्ट पोस्ट कब डाली थी, कुछ याद है? सर 2021, आई थिंक 21, 22, 21, यार नहीं ओके, सर। ये मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि पढ़ने वाले बच्चे रोजाना सोशल मीडिया पे बिजी नहीं रहते हैं, वो हमेशा मेहनत की ओर ध्यान देते हैं और मेहनत करते हैं, और उस मेहनत का नतीजा आज आपके सामने देखने को मिलता है कि अनीता बता रही कि 2021 की लास्ट पोस्ट है, उसके बाद आज तक हमने पोस्ट में सिर्फ एंड सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन और सिलेक्शन जो टीएनसी ने पोस्टर बना के उनको यस दिया है सर, वो ही डाला है, उसके अलावा अभी तक कुछ वो किया नहीं पेस्ट है। किया सर एक्चुअली, आई डाउनलोडेड अगेन इंस्टाग्राम, आई पेस्टेड दैट टीएनसी मेरा पोस्टर था ना सर, वो टीएनसी टैग करने के बाद वो डाला था। और मेरा फ्रेंड्स भी पूछा टीएनसी, मैंने एडवाइस किया टीएनसी का, यू हैव टू टेक कोई भी थियरी पढ़ो टेस्ट सीरीज के लिए, टीएनसी इज द बेस्ट, मैंने वही टैग किया सर इंस्टाग्राम पे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। ये सब सर। लास्ट में मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहूंगा, जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स इस समय मेहनत कर रहे हैं, जो इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए अनीता क्या सजेशन देना चाहेगी? स्टडी कंटिन्यूटी करना चाहिए सर, शुड नॉट ड्रॉप इन बिटवीन, बिकॉज ड्रॉप होने के बाद अगेन कम बैक के लिए बहुत टाइम लगता था सर, इसलिए कंटिन्यू स्टडी करना पड़ेगा सर। यू शुड नॉट ड्रॉप और शुड नॉट डीमोटिवेट फॉर वन फेलियर, वन एग्जाम और टू एग्जाम्स, वी हैव टू कंटिन्यू करना पड़ेगा सर। दैट्स दिस इज द माई सीक्रेट। सजेशन अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज, और टेस्ट टेस्ट सीरीज डेली, वी हैव टू गिव अ टेस्ट सीरीज
अगेन इट विल प्रैक्टिस एंड फियर विल बी गो डेली एग्जाम देने के बाद सर इट विल गो अगेन. थैंक यू थैंक यू। कंसिस्टेंसी इज द वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके साथ कंसिस्टेंसी के यस साथ सर. टीएनसी का कॉम्बो प्लान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग लगातार टेस्ट दे सके, वीडियो एमसीक्यू देख सके और लगातार मेहनत कर सके, सारे डर गायब होने वाले हैं। और हमेशा बोझरा सर के साथ यस सर. टेलीग्राम के मैसेजेस देखते रहे, मोटिवेशंस के साथ यस सर. कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहे, और ये चुटकियां बजती रहे, और वो लास्ट में बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और आज आपके लिए मैं बोलना चाहूंगा, आपके लिए सिंगल वर्ड्स मेरे लिए ये है कि कर दिखाया कुछ ऐसा दुनिया करना चाहेगी अनीता जैसा। थैंक बहुत ही बढ़िया लगा, और मुझे बहुत ही यू. शानदार, एकदम बहुत ही मजा आया इस इंटरव्यू में। बहुत सारे एक्सपीरियंस आपसे जानने की कोशिश की, आपको और आपके पूरे के पूरे परिवार को टीएनसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राम सर को मिठाई खिलाना मत भूलना, बिल्कुल आप उनको यस जरूर सर, जरूर डेफिनेटली मंगलागिरी में जाके मिठाई खिलाना, और ऐसे ही आप अपना नाम, साथ ही सर. थैंक साथ यू. अपने माता पिता का नाम, साथ ही साथ ससुराल पक्ष और सारे के सारे ससुर ससुर जी, सासू जी, हस्बैंड जी, सबका नाम रोशन करते रहे, साथ ही साथ टीएनसी का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर. थैंक यू सर.